बापजी था शहज। नमस्कार, मैं ललित। तो छतरपुर में बुलडोजर एक्शन में भले ही करीब 20 करोड़ की इमारत धराशायी हो गई हो, लाखों की गाड़ियां कबाड़ बन गई हो, कानून अपना काम कर रहा हो, लेकिन कुर्सी वाले भी कम नहीं हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उनके बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे भी मुस्लिमों पर पथराव का आरोप लगे और बाबा बागेश्वर ना कूदे तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने बयान दिया तो कांग्रेस को याद आया, बोलना तो उन्हें भी पड़ेगा। लिहाजा सामने आए कांग्रेस के कुणाल चौधरी। कहा, शास्त्री जी हनुमान जी को आराध्य मानते हैं तो हनुमान जी के भाव को समझने का काम करें। भगवान का प्रेम का भाव था, नफरत का नहीं। आरोप सिर्फ भगवान हनुमान के भाव तक नहीं रुके, बल्कि कहा कि देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, तालिबान की तरह नफरत के साथ नहीं चलेगा देश। पहले कुणाल चौधरी का बयान सुन लीजिए। कि धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्माचार, और मुझे लगता है कि धर्म के अंदर किस बात को क्या करना चाहिए और किस तरह के भाव को लाना चाहिए वो अपनी जगह है। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के ऊपर रोज हमले करे जा रहे हैं, रोज तांडव करा जा रहा है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान से चलेगा ना तालिबान की तरह नफरत के साथ चलेगा। और धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। कृष्ण के उस भाव को जो प्रेम का भाव था, नफरत का भाव नहीं था, राम का वो भाव जिसमें उन्होंने रावण से भी नफरत नहीं करी थी, तो इस भाव को समझें। इसमें व्यवस्था फैलाने की जगह मूल मुद्दों की बात करने का काम करें। और मुझे लगता है धर्माचार्यों का काम होना चाहिए धर्म के प्रेम के भाव को, अच्छे भाव को बताने का काम करना, ना कि इधर उधर की बातें। हो सकता है कुणाल चौधरी को भगवान हनुमान के भाव समझने में कहीं दिक्कत हो गई हो, और भी भाव उनके रहे हैं। अब बाबा का वो बयान भी सुनना चाहिए जिसने सियासत को सिरे से गर्म कर दिया। बागेश्वर ने अपने अंदाज में घर छत से जुदा कहकर आंच बढ़ा दी थी और सर तन से जुदा की याद दिला दी थी। ये भी साफ कर दिया कि भारत संविधान से चलता है और ये राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। गलत करने पर छत से घर का जुदा होना ही है। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। धन्यवाद। कार्रवाई होना चाहिए अगर खाकी पर हमले होते हैं इस तरीके से जो करते हैं। बेझिझक, देखो वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। तो हमारे कानून के रक्षक हैं वो, पुलिस की वर्दी हमारे इस देश के कानून की रक्षक है। निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे, और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, अच्छी बात है। वे सिर्फ कथावाचक नहीं है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। लेकिन जाने क्यों, जब वो कानून की बात करते हैं तो उनके भाई शालिग्राम और उसके ऊपर लागे आरोपों की बहुत याद आती है। थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं तो आरिफ मसूद का बयान है, जो न सिर्फ पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाते हैं बल्कि अपनी पार्टी को आईना भी दिखाते हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए।
गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस प्रदेश में बदहाल क्यों है, ये भी मसूद गिना देते हैं। इधर बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई, बीजेपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के कप्तान वीडी शर्मा, उन्होंने साफ कर दिया कि कानून धर्म जाति देखकर काम नहीं करेगा, साथ ही कानून दबाव में भी कोई काम नहीं करेगा। उन्हें भी सुनिए। कानून कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ही वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक काम कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। इस बयान को सुनकर रोजाना खबरों में रहने वाले भौचक होकर पूछ सकते हैं कि क्या वाकई कानून धर्म जाति देखकर काम नहीं करता? क्या वाकई कानून के रखवालों पर कहीं कोई दबाव नहीं है? खैर, मध्य प्रदेश में जारी बारिश का दौर खत्म हो सकता है, देश के अलग अलग इलाकों में बाढ़ खत्म हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर बयान बहुत जल्द खत्म होने के आसार नहीं है, क्योंकि धर्म और मजहब के मुद्दों की आँच में सियासी रोटी न सिर्फ पकती है बल्कि फूलती भी बढ़िया है। इन सबके बीच ध्यान रहे कि कानून के रखवालों पर पत्थर फेंकना कहीं से जायज नहीं है, और ना ही किसी बयान पर उग्र होकर सैकड़ों की भीड़ को मजहब के नाम पर इकट्ठा करके उकसाना, पत्थर फेंकवाना उतना ही गलत है जिस मंच पर महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री नेता खड़े हों वहां से किसी की मजहबी आस्था का उपहास करना, उसे गलत ठहराना और उस पर गलत बातें करना। बाकी आप सभी को नुपुर शर्मा आपको याद है, आप सभी को नुपुर शर्मा को भी हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद।